नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। आज हम बना रहे व्रत वाले आलू। अक्सर हमारे घर व्रत के लिए कई चीज़ें बनती हैं, तो हमने यहाँ पर सोचा हम व्रत वाले आलू बनाकर आपको बताएं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 3 आलू, जिनको हमने उबाल लिया था, छील के रख लिया है। 4 से 6 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है नॉन स्टिक कढ़ाई, आप चाहें तो लोहे की या एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है, आप चाहें तो मूंगफली का तेल आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी के गर्म होते ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे, क्योंकि जो जीरे का फ्लेवर है इस आलू में बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। यहाँ पर हम हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा हम भून लेंगे, ताकि जो हरी मिर्च और जीरे का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा इसमें आए। क्योंकि हरी मिर्च और जीरे का फ्लेवर आ चुका है, यहाँ पे हम आलू ऐड कर देंगे। जिनको आलू को हमने कट कर लिया है, इनको हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटा। अगर हम ज़्यादा बारीक काटेंगे तो जो आलू है वो मिक्स उसमें सारे मिक्स हो जाएंगे, तो फिर टेस्ट इनका अच्छा नहीं है। आलू को हमें बिल्कुल करारा होने तक तलना है। इनसे काफ़ी जब जितना आप करारा करेंगे इनको, इतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा। इन आलूओं को आप जीरे में, हरी मिर्च में अच्छे से भून लें। इसके बाद में हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का। काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट लगता है। यहाँ पे हम सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच। हमने इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया वो व्रत वाली ही चीज़ है। इनको हम अच्छे से भूनेंगे। इन आलूओं को जब तक हम भूनेंगे तब तक करारे ना हो जाएं। जितने करारे होंगे उतने ही इसमें टेस्ट आएगा। इसे आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, जो कि जो आलू है वो अच्छे से घी में, अब जो घी में अच्छे से पक सकें। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, हम आलू चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे करारे हो गए हैं ये आलू। इनको हम थोड़ा सा और चला देंगे। इसके बाद में आप इनको कटोरी में सर्व करेंगे। देखिए कितने अच्छे लग, एक बाउल में हम इनको निकाल कर सर्व करते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।